अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं, ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए, प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। कम्युनिटी किचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ताजे और भरपेट भोजन की व्यवस्था भी कैसे होगी, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। और 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन हमारे प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अगर पूरा करते हैं तो उनको भी अपने अपने गंतव्य तक होम क्वारंटाइन ले जाने के लिए भी उन्होंने निर्देश आज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में 20 या 20 से अधिक जो पॉजिटिव जनपद है उन पर जो ये नोडल अधिकारी जा रहे हैं उनकी वो नियमित समीक्षा करेंगे, सुबह शाम समीक्षा करेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी ईमेल से जो है रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और संबंधित स्वास्थ्य विभाग को और हमारे गृह विभाग को और सभी अन्य विभागों को देनी होगी, जिससे कि जिलों की वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा सके। संक्रमण के कुल प्रकरण आए हैं वो हैं 1604, 1604। ये प्रकरण 57 जिलों से आए हैं, इनमें से 206 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, पूर्णतः उपचारित होने के बाद 206 अपने घर वापस लौट चुके हैं, 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और एक्टिव इन्फेक्शन 1374 एक्टिव इन्फेक्शन है। 11 में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, 1374 एक्टिव इन्फेक्शन इस समय है, 1374। अभी आपको अपर मुख्य सचिव गृह ने आपको अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया है, उस क्रम में 18 जिले में एक एक चिकित्सा के भी वरिष्ठ अधिकारी भेजे जा रहे हैं। ये सभी जनपद ऐसे हैं जहाँ की केसेस की संख्या ज़्यादा थी और इस समय जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में लगातार 3 डिजिट में नंबर्स बढ़ रहे थे, 100 से ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे थे, पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से अब हम फिर से 2 डिजिट में आ गए हैं।